दर्शकों वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है मैं ज्योतिषाचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ कैसा जाएगा उन तमाम बारह राशियों के बारे में आइए हैं आज आज का पंचांग 20 जुलाई 2024 20 दिन है आइएंग हजार शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी जो शाम पांच बजकर पचास मिनट पूर्णिमा लग जाएगी नक्षत्र रहेंगे पूर्व अषाढ़ा जिनके स्वामी है शुक्र यदि काल की हम बात करें तो सुबह नौ बज के दो मिनट से लेकर दस बज के चौवालीस मिनट तक रहेंगे अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा बारह बजे से लेकर बारह बज के पचपन मिनट तक का दर्शकों शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन

नहीं मिलेगा इसके अलावा कुछ अफसर से चूक भी सकते हैं इसके कार्य क्षेत्र में आप कुछ आ, बदलना चाहेंगे आपको देखने को मिल सकता है। कुछ अच्छा रिटर्न आप, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्वास्थ्य में काफी बेहतर महसूस करेंगे भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे बहत्तर प्रतिशत है भाग्य अंक आपका नौ है दूसरी राशि राशि के बारे में जानेंगे तो परिवार से कोई बात छुपा सकते हैं या कोई झूठ बोल सकते हैं इसके अलावा प्रेम संबंध में अपने पार्टनर के साथ किसी सीक्रेट यात्रा पर जा सकते हैं या जा सकते हैं उसकी प्लानिंग भी कर सकते हैं इसके अलावा जीवन साथी की कोई बात मान सकते हैं या आपको माननी पड़ सकती है मजबूरी वश कुछ इस प्रकार की परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है विद्यार्थी कई बार कोशिश कर सकते हैं हालांकि कह सकते हैं कि परिणाम उनको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी उनके कॉन्फिडेंट में थोड़ी वृद्धि जरूर देखने को मिल सकती है कार्य क्षेत्र में किसी के साथ आप गुप्त संबंध में आ सकते हैं जिसकी वजह से आपके बारे में अटकलें लगाई जा सकती हैं ये आपके स्टेटस पर भी कुछ प्रभाव डाल सकता है व्यवसाय में कोई बेचैनी देख सकते हैं लाभ की उम्मीद बहुत ज्यादा आपने कर रखी है और जिसकी वजह से वैसा आपको रिटर्न नहीं मिल पाएगा और जिसके कारण आप थोड़ा सा कह सकते हैं आप निराश हो सकते हैं या हताश हो सकते हैं उम्मीद से ज़्यादा आप कुछ भी रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें तो बेहतर रहेगा इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा ढीलापन देखा जा सकता है भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे उनसठ प्रतिशत है भाग्य अंक आपका एक है तीसरी राशि में तो राशि के बारे में जानेंगे तो परिवार में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं जिसके लिए सब समस्त परिवार जनों के बीच में एक अच्छी तालमेल देखी जा सकती है प्रेम संबंध में वास्तविकता को समझने का प्रयास करें हर बार ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे तो किस प्रकार से आप चलेंगे इसके अलावा कुछ असच्चाई आपके लिए कड़वी भी हो सकती है तो उसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए जीवन जाति कह सकते हैं खुद की आ, लुक्स के लिए काफी कॉन्शियस नजर आ सकते हैं तो कुछ बदलाव करना चाहेंगे इसके अलावा विद्यार्थी पुनः प्रयास करेंगे साथ ही कुछ परिवर्तन के साथ उनको परिणाम अपेक्षा अनुसार देखने को मिल सकता है कार्य क्षेत्र में अपने साहस को बटोरे बेचारापन दिखाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा अपना साहस के साथ साथ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट अपने स्वाभिमान को भी बनाए रखें व्यवसाय की बात करें तो शेयर मार्केट से कुछ लाभ देख सकते हैं और वर्तमान क्षेत्र में भी कुछ विस्तार या लाभ या ठहराव आपको देखने को मिलेगा इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करें तो संघर्ष देख सकते हैं भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे उनत्तर प्रतिशत है भाग्य अंक आपका छह है

व्यवसाय में धीरे से निवेश करेंगे और साथ ही उत्तम स्थिति बनेगी लाभ की स्वास्थ्य में जल्दी ही लाभ प्राप्त करेंगे भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे बासठ प्रतिशत है भाग्य अंक आपका तीन है पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं तो आप परिवार की या परिवार आप ही किसी निर्णय का विरोध कर सकते हैं प्रेम संबंध में किस स्थिति को संभालने के लिए पूरा प्रयास करेंगे कुछ बड़ा सोचना चाहेंगे साथ ही कुछ जल्दबाजी में कुछ प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं इससे आपको बचना चाहिए या कुछ विचार कर सकते हैं विद्यार्थी किसी भी गाइडेंस को स्वीकार नहीं करेंगे इसके अलावा जीवन साथी संतान पक्ष संतुष्ट नजर आ रहे हैं कार्य क्षेत्र में आपकी स्ट्रेटेजी या प्लानिंग कह सकते हैं कि काम आएगी जिसकी वजह से आप आ, कह सकते हैं कि आपकी प्रशंसा तो सुनने को मिलेगी साथ ही आपकी समझदारी की वजह से आपके अधिकारी भी आपसे कह सकते हैं इंप्रेस होंगे इसके अलावा व्यवसाय की यदि हम बात करें तो हर संभव प्रयास करेंगे कि व्यवसाय को गति देने का कुछ सुधार करने का कुछ स्लो प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है इसके बावजूद भी स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो मानसिक स्तर से अपने आपको मैं

क्षेत्र में हर प्रकार शांति या कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे साथ ही लगातार ग्रोथ आप देख पाएंगे अगर विद्यार्थी की बात करें तो अपनी स्थिति कुछ पहले से बेहतर पाएंगे और ये एक वजह होगी कि उनके भीतर कॉन्फिडेंट देखा जा सकता है व्यवसाय में प्रॉपर्टी से शेयर मार्केट से तो लाभ प्राप्त करेंगे साथ ही कुछ आप नए प्रोजेक्ट भी हासिल कर सकते हैं उसके लिए भी कुछ निवेश की प्लानिंग कर सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी खासी मजबूती देखी जा सकती है स्वास्थ्य में हृदय के मरीज काफी बढ़िया सुधार देख सकते हैं और पहले से कुछ आपको कह सकते हैं कि आपके जो अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या उसमें भी कुछ सुधार आपको देख

आपको समझ आ सकती है व्यवसाय में अचानक आप अपने रुकावट को दूर करने के लिए कुछ स्टेप ले सकते हैं है किसी पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं कुछ नया संबंध भी जुड़ सकता है प्रेम संबंध में परिवार की तरफ से कुछ कठोर सलाह आपको देखने को मिल सकती है जीवन साथी के साथ आप कह सकते हैं संबंध में काफी बेहतर महसूस करेंगे आप लोगों के

के लिए सब कुछ करना चाहेंगे हर प्रकार से सहयोग करना चाहेंगे उनकी मदद करना चाहेंगे प्रेम संबंध में अपनी ही कहेंगे पार्टनर की सुनना पसंद नहीं करेंगे जीवन साथी खुलकर अपनी बात नहीं कह पाएंगे साथ ही आपकी मदद की तरफ देखेंगे या कुछ उम्मीद लगाकर बैठेंगे आपकी तरफ विद्यार्थी कंपटीशन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे इसके अलावा कार्य क्षेत्र में किसी के सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा खुद ही आपको काम करना पड़ सकता है इंडिपेंडेंटली उसकी जिम्मेदारी आप पूरी तरीके से गंभीरता से निभाएंगे व्यवसाय में कुछ भी सीक्रेट या छुपाना आपके लिए भारी पड़ सकता है कुछ बात आपकी उजागर हो सकती है और ये आपकी छवि पर भी विपरीत परिणाम दे सकती है इसके अलावा स्वास्थ्य में भिन्न प्रकार की समस्या देख सकते हैं कुछ उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे बहत्तर प्रतिशत है भाग्य अंक आपका पाँच है दसवीं राशि मकर राशि के बारे में जा लेते हैं तो देश से सही परिवार के साथ कोई बात बनती नजर आएगी प्रेम संबंध में एक दूसरे को समझाने का प्रयास करने चाहेंगे कुछ तनाव आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है जीवन साथी परिस्थिति को संभालते नजर आएंगे लेकिन आपके प्रदर्शन में कुछ कमी देख सकते हैं विद्यार्थी तेज गति से आगे बढ़ेंगे लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि मानसिक स्तर पर कुछ खोए खोए रह सकते हैं अपनी परिकल्पना में रहेंगे कार्य क्षेत्र में कहीं बैलेंस बनाते बनाते आप किसी विपरीत परिस्थिति में आ सकते हैं या कह सकते हैं पूरी तरीके से आपकी उपस्थिति नाकार रहेगी क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पर आप कहीं खोए खोए रह सकते हैं व्यवसाय में विदेश से कुछ डील प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा स्वास्थ्य

कार्य क्षेत्र में जॉब के चांसेस बनेंगे कुछ नई जॉब के चांसेस बनेंगे साथ ही वर्तमान नौकरी में भी कुछ लाभ के संकेत आपको देखने को मिलेगा व्यवसाय में कोई समस्या या लीगल समस्या से आप बाहर निकलेंगे कुछ राहत की सांस लेंगे साथ ही कुछ अन्य क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं स्वास्थ्य में आप लाभ प्राप्त करेंगे भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो पचहत्तर प्रतिशत भाग्य अंक आपका साथ है बारहवीं राशि मीन राशि के बारे में जानेंगे तो परिवार के साथ किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं या परिवार के किसी मुद्दे में उनका पक्ष ले सकते हैं प्रेम संबंध में पार्टनर का फुल सपोर्ट आपको प्राप्त होगा अच्छा आपके लिए ये समय रहेगा जीवन साथी को मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं वो अपना कॉन्फिडेंट लूज करते नजर आ सकते हैं विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में जाए लेकिन स्टेबिलिटी बनाए रखें बार बार अपना इंटरेस्ट बदलेंगे तो उनको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी ठहराव नहीं मिल पाएगा कार्य क्षेत्र में जब तक आप जब आज आपके काम की कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस देखने को मिल सकती है और यह आपके लिए बहुत राहत वाली बात तो होगी साथ ही आपके कॉन्फिडेंट में वृद्धि करेगी इसके अलावा व्यवसाय में कोई रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध आपको देखने को मिल सकता है स्थान से बाहर कुछ लिमिटेशन आपको देखने को मिल सकती है स्वास्थ्य में कोई पुरानी बीमारी के कारण कुछ आप आ, कह सकते हैं समस्या देख सकते हैं लेकिन कुछ सुधार भी आपको देखने को मिलेगा भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 71% है भाग्य आपका चार है दर्शकों आपके जो भी प्रश्न सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें हरे कृष्णा